अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करने के इम्यूनोलॉजी में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और जो है इसके चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसमें जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा करना है, जबकि बाकी चैप्टर जो है सिलेक्टिव करने हैं। और इस चैप्टर में से मोर देन 90% चांसेस होते हैं किसी में से क्वेश्चन आता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है? नॉर्मली जो हमारी बॉडी है ना वो अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो है ना सेंसिटिव है, जिस वजह से जो है अल्लाह ताला ने हमारे इम्यून सिस्टम रखा है जो कि उसके अगेंस्ट जो है ना फाइट करता है। और ना जो ही वो एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर होती है, ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसको जो है ना ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? इट इज़ एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स। एक नॉर्मल सेंसिटिविटी तो हमारी नॉर्मल सेंसिटिविटी तो नॉर्मल है, लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी होती है कि जो बिनाइन एंटीजन है उनके अगेंस्ट इतना रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड नहीं होते, लेकिन एक्सपेक्टेड से जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है। इसको हम कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिव हो गई हमारी बॉडी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ये। ठीक है, बिनाइन एंटीजन के अगेंस्ट होता है, वो एक्सटर्नली भी हो सकती हैं, वो बाहर से भी आ सकती हैं इनके, और ना इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, मतलब इंटरनल जो हमारी बॉडी प्रोटीन्स हैं या बॉडी एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट भी जो ना ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, अब जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो चार टाइप्स के हैं। 1, 2, 3 जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड, जबकि जो 4 वाला है वो इज सेल मीडिएटेड। तो टाइप 1 जो है ना इसको इमीडिएट एनाफिलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है तो उसको स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन और इन बैरियर से गुजरना पड़ता है, उसके बाद अगर इनको भी क्रॉस करके आ जाए, ठीक है, तो वो जो है ना फेगोसिटिक सेल्स लाइक डेंड्रिटिक सेल्स मैक्रोफेजेस वगैरह उसको जो है ना पकड़ लेते हैं। तो वो अब जी क्या 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 जो है ना डेंड्रिटिक सेल्स ने पकड़ने के बाद जो है ना टी सेल्स को जो है ना रिप्रेजेंट कर दिया एंटीजन को। जब टी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो है ना टी सेल्स कुछ साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं, उसमें जो है ना इंटरल्यूकिन 21 और इंटरल्यूकिन 4 है इंपॉर्टेंट। तो इंटरल्यूकिन 21 क्या करता है, आगे जो है ना बी सेल्स या प्लाज्मा सेल की डिफरेंशिएशन करा देता है, वो जो है ना मैच्योर हो जाते हैं इनटू द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल। ठीक है, एक तो इंटरल्यूकिन 21 ने क्या करा दिया, उसकी जो है ना बी सेल की डिफरेंशिएशन करा दी इनटू द प्लाज्मा सेल। इसके बाद जो है ना इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ होता है टी हेल्पर, इन्हीं जो टी हेल्पर सेल्स हम बात कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं इंटरल्यूकिन 4 जो है ना वो इंटरल्यूकिन 4 जो है ना उसको जो प्लाज्मा बी सेल्स हैं उनकी क्लास स्विचिंग करा देता है। क्लास स्विचिंग का मतलब ये है कि जो हमारे बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है, वो हर तरह सारी जो उसमें टाइप्स है ना एंटीबॉडी से वो सारी ही प्रोड्यूस होता है, IgG, IgM वगैरह सारी। स्विचिंग का मतलब यह है एक क्लास से दूसरी क्लास में स्विच हो जाएगा, वो लाइक IgG प्रोड्यूस कर रहा था तो अब वो IgG प्रोड्यूस नहीं करेगा, IgE प्रोड्यूस करना सपोज उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लाइक बाकी जीन्स उसके म्यूटेट हो जाएंगे जो उसमें बाकी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग करने वाले जीन है, सिर्फ ना IgE वाला रह जाएगा। अब वो सारी थ्रू आउट द लाइफ जो IgE प्रोड्यूस करेगा, IgG या बाकी एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है, तो इस क्लास स्विचिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरल्यूकिन 4 रिलीज बाय द टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, ये था हमारा जो है ना क्लास स्विचिंग वगैरह हुई प्लाज्मा सेल्स की और जो एंटीबॉडी उन्हें प्रोड्यूस किया। अब ये जो IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये जाके जो है मास सेल्स के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एक्सपोजर पे, जब एंटीजन का फर्स्ट एक्सपोजर हुआ तब एंटीबॉडीज बनी IgE एंटीबॉडीज और वो जाके जो है ना अटैच होगी मास सेल्स के साथ। जब सेकेंड एक्सपोजर होता है एंटीजन का, वो एंटीजन आके क्या करता है कि जो है ना जो IgE एंटीबॉडीज़ हैं इनकी क्रॉस लिंकिंग करा देते हैं। जब इनकी क्रॉस लिंकिंग होती है तो जो है ना मास सेल डीग्रेनुलेशन होती है और जो है एंजाइम्स निकलते हैं और हमें जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी जो है डेवलप हो जाती है। सपोज़ पीनट्स की एग्जांपल लें, तो अगर मैं पीनट्स के लिए एलर्जिक हूँ तो फर्स्ट एक्सपोजर पे लाइक मैंने पहले 3-4 पीनट्स खाए या कुछ पीनट्स खाए तो मुझे हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, और जब कुछ दिनों बाद मैंने फिर से खा लिया तब जो है ना मुझे हाइपर सेंसिटिविटी होगी, एलर्जी हमें मुझे होगी। ठीक है, क्योंकि वो जब री एक्सपायर पे एंटीजन जाएगा तो एंटीबॉडी से पहले ही अटैच हुई होंगी मासल्स के साथ, वो जो है उसकी क्रॉस लिंकिंग करा देंगे और जो है ना डीग्रेनुलेशन होंगे मासल्स की। अब जो है इसको दो फेज़ में डिवाइड कर, इमीडिएट फेज़ है और जो है ना लेट फेज़ है इसका या डिलेड फेज़। इमीडिएट फेज़ में क्या होता है, इमीडिएट फेज़ में हमने पीनट्स लिए, विद इन मिनट्स हमें एलर्जी हो जाती है, विद इन मिनट्स हमें हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। ये क्यों होता है? हिस्टामिन के रिलीज़ की वजह से होता है, क्योंकि हिस्टामिन प्री फॉर्म पड़ा होता है हमारे मास सेल्स के अंदर, वो फ़ौरन से ही रिलीज़ हो जाता है, उसको बनाने के लिए जो ना टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब इसमें जो सिम्टम्स आती है वो एडीमा और एरिथीमा होते हैं पेशेंट को, लाइक पेशेंट को जो ना खारिश करेगा उसको जो ना वहाँ पे एडीमा हो जाएगा और ना रेडनेस हो जाएगी। तो ये क्यों होता है? एडीमा हमें पता है हिस्टामिन जो ना वास्कुलर परमियबिलिटी वगैरह को इंक्रीज़ कराने वजह से डायलेशन कराता है, तो परमियबिलिटी इंक्रीज़ की वजह से जो है ना ब्लड बाहर निकलेगा। जैसे हमने इन्फ्लेमेशन में पढ़ा था ना, अगर आपने इन्फ्लेमेशन नहीं पढ़ी ना तो उससे एलर्जी से पहले जो है ना या इम्यूनो से पढ़े आप ना वो पढ़ लें,
अगर आपने वो पढ़ लिया ना तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, वरना आपको ना मुश्किल होगी थोड़ी। तो अच्छा मैं क्या बता रही थी, हिस्टामिन ने क्या का बता रही थी कि जो है ना हिस्टामिन ने परमियाबिलिटी इंक्रीज करा के फ्लूइड जो है ना बाहर निकाला, तो उस वजह से एडिमा हो गया और जो है ना वैसोडायलेशन की वजह से ना एरिथीमा या रेडनेस हो जाती है उस जगह पे, ठीक है। अब इसके बाद जो लेट फेज़ होता है ना, इसका लेट फेज़ अप्रोक्स 6 आवर्स के बाद होता है, लाइक हमने पीनट्स का, उसके 6 आवर्स के बाद जो है ना एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये क्यों होती है, ये हमारे एराकोडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स के जरिए होते हैं, लाइक मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है वो ब्रेक करेगा एराकोडोनिक एसिड, उससे जो है लिकोट्राइन्स बनते हैं उनकी वजह से होती है। स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो लिकोट्राइन्स हमने पढ़ा था, लिकोट्राइन B4 जो है ना वो केमोटैक्सिस करा रहा होता है, ठीक है, जबकि CDE जो है ना ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जो है ना वो इन्फ्लामेटरी सेल्स को जो है ना कि उनकी केमोटैक्सिस कराएगा लिकोट्राइन B4, और जो है ना न्यूट्रोफिल्स वगैरह आएंगे और फिर वहाँ पे क्या डेवलप होगा, एरिथीमा प्लस इंड्यूरेशन। अब यहाँ पे पहले था एडिमा प्लस एरिथीमा, अब एरिथीमा प्लस इंड्यूरेशन, पहले तो एक जगह सूज जाएगी, जब इंड्यूरेशन में ना एक थिक सा मास बन जाता है हमारी जो बॉडी है ना स्किन पे किसी भी जगह पे, जो है ना एक तो रेडनेस हो जाएगी और जो है ना इंड्यूरेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना इस, अब हमने क्या पढ़ा, लिकोट्राइन्स की इन्वॉल्वमेंट पढ़ी और जो है ना हमने इंटरल्यूकिन्स की इन्वॉल्वमेंट पढ़ी, ठीक है, हिस्टामिन वगैरह की जो है ना हमने पढ़ी। इसमें जो ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अब जो एलर्जीन्स हैं, एलर्जी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में कौन से हो सकते हैं, एलर्जी हमारे जो इन्वायरमेंट में जो है ना बिनाइन एंटीजेंस है, लाइक जिनके लिए हम नॉर्मली सेंसिटिव नहीं होती हमारी बॉडी, तो जैसे पोलेंस हो गया, शेलफिश हो गई, फूड्स में नट्स वगैरह हो गए। इसके अलावा जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स के लिए भी कुछ पेशेंट को जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। अब ये फिर वही बात बताई हुई जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जो IgE इंक्रीज़ हुई है ना, IgE का लेवल वो इंटरलीकन 4 की वजह से हुआ। इंटरलीकन 4 ने क्या कराया था कि ना बी क्लास की स्विचिंग कराई थी, बी सेल की स्विचिंग कराई थी फ्रॉम IgM टू IgE, और इंटरलीकन 21 ने बी सेल को जो है ना एक्टिवेट किया था, उसको डिफरेंशिएट करके जो ना एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट किया था। तो नॉन एलर्जिक इंडिविजुअल्स हैं वो तो IgG प्रोड्यूस करेंगे, वो IgE प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनमें क्लास स्विचिंग ही नहीं हो रही, जाते पता सेंसिटिव ही नहीं है पेशेंट, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इनके अर्टिगेरिया होता है, उसको एक्जिमा यानी कि डर्मेटाइटिस वगैरह होती है, रेनाइटिस, रनी नोज और कंजक्टिवाइटिस होती है, ठीक है। प्लस एस्थमा भी, एस्थमा क्यों होगा, वही लिकोट्राइन्स CDE की वजह से होगा, ठीक है। अब ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है ये डिपेंड करती है रूट ऑफ एंट्री पे, लाइक अगर एयर वे के थ्रू हमने उस पोलन को इनहेल किया तो हमारे अस्थमा हो जाएगा, अगर फूड वगैरह में लिया तो जो है ना इचिंग हो जाएगी ऑफ द लिप्स, जो है प्लस वैल्यू भी हमें मिलेगी। मोस्ट सीवियर फॉर्म जो है ना इसकी होती है सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती, सॉरी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, और ना हाइपोटेंसिव शॉक होता है। हाइपोटेंसिव शॉक क्यों, क्योंकि फ्लूड जो है ना नॉर्मली जो ब्लड में जो फ्लूड है या ब्लड है, ठीक है, वेसल में, वो हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो अब जब फ्लूड लीक कर रहा है हिस्टामिन की वजह से, तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो सकेगा, और ना पेशेंट को हाइपरटेंसिव शॉक में चला जाएगा, और दूसरी बात क्या है कि जो ना ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको जो ना चोकिंग होगी, उसका जो ना दम घुटने लग जाएगा, सांस लेने मुश्किल हो जाएगी लिकोट्राइन्स की वजह से, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये आती है सिस्टेमिक जो ना एनाफिलैक्सिस पे। ये किस वजह से होती हैं, वाइड स्प्रेड डीग्रेनुलेशन ऑफ द मसल्स, बहुत ज़्यादा जो है ना मसल्स की जो है ना डीग्रेनुलेशन होती है उसकी वजह से। इसके अलावा वीजिंग भी हो सकती है, लाइक उसको सांस लेने में आवाज़ें आएंगी। इसके अलावा हॉर्सनेस ड्यू टू द लैरिंजियल एडिमा, उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी। प्रोराइटस जो है ना उसको सीन पेचिंग वगैरह, अर्टिगेरिया वगैरह, इसके अलावा टैकीकार्डिया एरिथमिया वगैरह भी होते हैं। अब पीछे तो हमने पढ़ा था ना क्या एलर्जी वगैरह पढ़ी थी, अब जो सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस है इसमें जो है ना मोस्ट कॉमनली फूड्स वगैरह के लिए पेशेंट जो है ना ये सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस उनके अगेंस्ट शो करता है, जैसे पीनट्स और शेलफिश वगैरह हो गई। इसके अलावा पेनिसिलिन वगैरह, पेनिसिलिन की एलर्जी जो है ना कॉमन है, फार्मा में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना जो वो होते हैं मेडिकल पर्सनल होते हैं उनमें लैटेक्स रबर ग्लव्स पहनने की वजह से भी जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, जैसे अर्टिकेरिया तमाम फिर उनमें सिम्टम्स आती हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है टिक बाइट की वजह से होती है। टिक बाइट की वजह से क्यों होती है, जो टिक बाइट है ना वो अपने सलाइवा में उसके होते हैं डाइग्लेक्टोसाइड, वो पेशेंट में ना इंजेक्ट कर लेता है। जब वो डाइग्लेक्टोसाइड एंटीजन हो गया ना, वो आके जो है ना बॉडी में इंटर होगा, और वो जैसे मैंने पहले बताया कि जो है ना उसके बी सेल्स की डिफरेंशिएशन होगी, उसकी जो है ना स्विचिंग, क्लास स्विचिंग होगी, IgE एंटीबॉडीज़ बनेंगी और वो जाके मास सेल्स पे जाके अटैच हो जाएंगी। और जब फिर सेकंड एक्सपोयर होता है ना, सेकंड एक्सपोयर कैसे होगा, इसमें एक तो टिक बाइट के जरिए डाइग्लेक्टोसाइड चला गया और उसने जो है ना IgE एंटीबॉडीज़ को मास सेल्स के साथ अटैच कर दिया। अब ऐसा होता है कि जो है अगर पेशेंट रेड मीट खा ले कुछ दिनों बाद, ठीक है, रेड मीट खाने की वजह से क्या होता है कि जो रेड मीट होता है उसमें जो है डाइग्लेक्टोसाइड होता है,
वो अब जब इसका सेकंड एक्सपोजर होगा डाइग्लेक्ट्रोसाइड का, तो पेशेंट में जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाएगी, और यूजुअली जो है ना ये जो रिएक्शन होता है 4 to 6 hours के बाद होता है आफ्टर ईटिंग रेड मीट, लेकिन बाकी जो फूड एलर्जीज वगैरह हैं वो विद इन मिनट्स जो है ना होती हैं, जबकि जो रेड मीट खाने की वजह से होगी वो किस वजह से, वो इसे 4 to 6 hours के बाद होगी, ठीक है। अब ये सारे मीडिएटर्स हैं कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में, इन्फ्लेमेशन में हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ से मैं बस ऊपर ऊपर से बता दूँगी, ठीक है। हिस्टामिन हमें पता है ग्रैन्यूल्स वगैरह में स्टोर होता है, और जब जो है ना इस पर आएंगे जब IgE बाउंड करेगी और फिर सेकंड एक्सपोजर होगा तब जो है ना इसमें डीग्रेनुलेशन होगी, इसकी वजह से जो है ना जो रिनाइटस वगैरह हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम जो है ना नेजल डिकॉन्जेस्टन या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे देते हैं। इसके अलावा क्लोरोएक्टिव सब्सटेंस एनाफिलैक्सिस में लिकोट्राइन्स हैं जो कि एनाफिलैक्सिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये जो है ना इनको सिंथेसाइज करना पड़ता है एराकिडोनिक एसिड के जरिए, मैंने बताया ना, जबकि हिस्टामिन तो प्री फॉर्म पर रहता है, इसकी वजह से जो है ना इमीडिएट फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि जो है ना डिलेट फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और ये लिकोट्राइन्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वगैरह कराएंगे, चोकिंग वगैरह कराएंगे और इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होगी। इसके बाद इयोसिनोफिलिक कीमोटैक्टिव फैक्टर है, ये जो है इन्फ्लेमेशन वगैरह को या टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी की सेवेरिटी को कम करता है। ये कैसे कम करता है, ये जो है हिस्टामिनेज और एराइल सल्फेट को जो है रिलीज करता है, जो कि मीडिया हिस्टामिन और स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ द एनाफिलैक्सिस को जो है डिग्रेड करते हैं। हिस्टामिनेज हिस्टामिन को करेगा और एराइल सल्फेट जो है स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस को जो है डिग्रेड करेगा, जिसकी वजह से जो है ना सेवेरिटी कम हो जाएगी इसके सिम्पटम्स की। और दूसरा ये कि जो है इसमें जो है ना मेजर बेसिक प्रोटीन होती है जो कि साइटोटॉक्सिक होती है, सेल डैमेज कॉज कराती है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है सेरोटोनिन, ये भी प्री फॉर्म्ड ही पड़ा होता है, ये वेजोडाइलेशन और परमियबिलिटी वगैरह को इंक्रीज़ करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिंस का भी हमने पढ़ा है कि परमियबिलिटी और वेजोडाइलेशन जो है ना कराएंगे। इसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है और जो है इसके अलावा परमियबिलिटी को भी इंक्रीज़ कराता है। इसके बाद जो है साइटोकाइन जो टी सेल्स के जरिए रिलीज हो रहे हैं उनमें जो है इंटरल्यूकिन 4 और 13 का बताया हुआ है, 4 का मैंने बताया था कि बी सेल्स की जो है क्लास स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो है ना ये साइटोकाइंस मिल के सारे क्या करते हैं, एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन को प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है। और जैसे एलर्जिक एयरवे डिजीज अस्थमा में जो है ना इयोसिनोफिल की रिक्रूटमेंट जो है ना इंटरल्यूकिन 13 करवाता है, और इंटरल्यूकिन 13 जो है ना ये फिर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करा देगा, जिसकी वजह से जो है ना वो इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी, वो साथ में अल्टरनेटिवली जब एक्टिव होंगे तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, सॉरी वो फाइब्रोसिस वगैरह करा देंगे। इंटरल्यूकिन 13 हमने पढ़ा था ना कि 13 और 10 जो है ना उसको अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इंटरल्यूकिन 5 है ये जो इयोसिनोफिल के सर्वाइवल को इंक्रीज़ करेगा, और इसके बाद जो इंटरल्यूकिन 9 का बताया हुआ है, ठीक है, ये फर्दर साइटोकाइंस वगैरह को रिलीज़ कराएगा। इसके बाद है जो ना एनाफिलेक्टोइड रिएक्शन और एनाफिलैक्सिस में जो डिफरेंस है, जो एनाफिलेक्टोइड रिएक्शन है वो जो है ना एंटीबॉडी IgE एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं होते, ठीक है, जबकि एनाफिलैक्सिस जो है ना IgE एंटीबॉडीज की वजह से होता है। एनाफिलेक्टोइड रिएक्शन जो है डायरेक्टली उसमें जो है ना मास सेल्स और बेसोफिल जो है ना रिलीज करते हैं मीडिएटर्स को, सेम इफेक्ट सेम आते हैं, लेकिन एक में जो एनाफिलैक्सिस है उसमें IgE एंटीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि एनाफिलेक्टोइड रिएक्शन में नहीं होती,